बेटर टू डाई देन लिव लाइक ए कावर्ड, ये आदर्श वाक्य है गोरखा रेजिमेंट की। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 24 अप्रैल 1815 को हुई थी। गोरखा रेजिमेंट के बारे में मानेक आशा ने कहा था, अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहे या वो गोरखा है। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर यह नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। कहते हैं जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन को बिना युद्ध किए ही नतमस्तक हो जाते हैं। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी बहादुरी साहस का लोहा पूरा दुनिया मानता है। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। दुश्मनों का मानना है कि गोरखा मतलब मौत। इसी रेजिमेंट के बदौलत अंग्रेज़ों ने हिटलर से टक्कर लिया और हिटलर का मानना था कि गोरखा रेजिमेंट मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया को जीत लूँ। जब जब देश में संकट आया है तब तक इस रेजिमेंट को याद किया गया है। अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं गोरखा। गोरखा कहते हैं कि हाथ में खुखरी हो तो मौत का रास्ता काटने की महानता रखते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि भारत में गोरखा कहाँ से आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल से गोरखा आए हैं। हिमालय के तलहटी में बसा नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं होते बल्कि उन पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुग, राय, मागर और लिंबू जाति से भर्ती किया जाता है। गोरखा के बारे में कहते हैं कि जब गोरखा अपनी खुखरी निकाल लेता है तो बिना दुश्मनों का खून बहाए उसे म्यान में नहीं रखता। गोरखा पलटन विश्व के बहादुर पलटनों में से एक है। 1814 के एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखा सेना की लड़ाई की तरकीब और उनकी बहादुरी से ब्रिटिश इतने खुश हुए कि गोरखा को ब्रिटिश भारतीय सेना से जोड़ लिया। अगर आप सोच रहे होंगे कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारत में है तो आप गलत हैं। नेपाली आर्मी, भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी के गोरखा ब्रिगेड भी बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी, साहस और तरकीब से बहुत से युद्ध जीते, जैसे 1962 में लद्दाख और 1965 1971 में जम्मू और कश्मीर, और भी बहुत सारी युद्धों में शामिल थी हमारी गोरखा पलटन। गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी और अदम्य साहस के वजह से इंडियन आर्मी इसे लड़ाकू नस्ल मानती है। भारत के लिए गोरखा रेजिमेंट ने बहुत से युद्ध लड़े हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ हुई सभी लड़ाइयों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। गोरखा रेजिमेंट इन युद्धों में बहुत से मेडलों से सम्मानित किया गया, जिसमें महावीर चक्र, परमवीर चक्र भी शामिल है। बलिदान ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान है। मातृभूमि के लिए हमेशा खड़ा रहना इनका काम है। नमन है इसे वीर सपूतों को, कोटि कोटि नमन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं डायनेमिक सक्सेस यूट्यूब चैनल। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में ही बेल आइकन वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।